दर्शक साथियों को राम राम। दर्शक साथियों, मैं प्रदीप पातड़ आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्टाइल योगा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राम राम जी। प्रिय दर्शकों, आज हमारे साथ हैं नरेंद्र सोनी जी, जो लेखक हैं, एक महान लेखक कलाकार हैं, जिसने अपने इस प्रतिभा के अंदर देश विदेश के अंदर झंडे गाड़ दिए। और वो झंडे किस तरह काटे हैं आज आपको पूछा है सोनी जी से। सोनी जी, आपके अपने YouTube चैनल है स्टाइल योगा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद योगी जी। तो नरेंद्र जी, हमें बताइए कि आपने लेख की शुरुआत किस तरह करी, कब तक शुरू करे आपने लेख लिखना? जी, लेख लिखना वैसे मैंने छठी सातवीं क्लास में शुरू कर दिया था योगी जी। अच्छा जी। लेकिन ग्यारहवीं क्लास में दैनिक जागरण ने प्रतियोगिता की थी जी, युवा संपादक। अच्छा। उसमें मैं पूरे हरियाणा में फर्स्ट आया। अच्छा। 10,000 रुपए का चेक मिला। अच्छा जी। फिर मैंने प्रोत्साहन सा मिला कि इसमें तो करियर बन सका बढ़िया, और अच्छा मेरे लेख को मतलब किसी ने सम्मान दे दिया। हाँ। तो उसके बाद मैंने इसमें करियर बनने की सोचा। अच्छा, ग्यारहवीं क्लास में भाई नरेंद्र जी ने 10,000 रुपया ना चेक जीत लिया। अच्छा जी, नरेंद्र जी आप ये बताओ भाई, आपने यह आदत कब तक लगी थी, कब तक शुरू कर दिया आपने लिखना, छोटा छोटा जो आपने लिखा है? देखो ये आदत ना, ज्यादातर आदतें माँ बाप से मिलती है। अच्छा, तो मेरी मम्मी बचपन से ही मतलब मुझे प्रेरित करती रहती थी जी लिखने को। अच्छा अच्छा। और जानकारी के लिए बता दूं जी, मेरे मामा जी हैं शायद उस वर्ग जी जीन से। अच्छा, वो अपनी पत्रिका चलाते हैं 20 सालों से। अच्छा जी। तो मैं जब भी घर मामा की छुट्टियों में जाता ना, गर्मी की छुट्टियों में, तो वहाँ जाकर देखता हूँ बहुत बड़ा पुस्तकालय है, 5,000 के करीब पुस्तकें हैं, उनको पढ़ता देखता, तो बचपन से ऐसे आदत बन गई। अच्छा जी। अच्छा, तो योगी जी हमें, सॉरी नरेंद्र जी, हमें बताइए कि आपने इस लेख जो है उसमें आपने कहाँ तक उपाधि प्राप्त करी है, कि इसमें आपने कहाँ कहाँ से आपने टूर्नामेंट वगैरह भी उसी गई थी जी? इनकी प्रतियोगिताएं होती रहती है। जैसे जी भारत में पत्रकारिता का सबसे बड़ा संस्थान है जी IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अच्छा। JNU कैंपस में है जी। हाँ जी। तो उसका ऑल इंडिया टेस्ट होता है जी। जी। वो टेस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। अच्छा। तो 20,000 से 30,000 बच्चे हर साल पेपर देते हैं। अच्छा जी। वो पेपर मैंने ग्रेजुएशन के बाद दिया जी। अच्छा। क्लियर किया, मैं एंट्रेंस में बढ़िया नंबर आए जी। अच्छा जी। तो मैंने वहाँ से पीजी डिप्लोमा किया जी। अच्छा। आप जो भी पत्रकार देखते हो ना, सुधीर चौधरी, रवीश कुमार, बड़े टीवी चैनल के, वो सभी उसी संस्थान से पढ़ के गए जी। अच्छा जी। अच्छा। तो मैंने वहाँ से किया, उसके बाद मैंने गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से MA की जी। अच्छा जी। तो वहाँ से करने के बाद फिर UGC नेट होता है जी। हाँ जी। हाँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। हाँ जी। ताकि आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। हाँ जी। हाँ। तो वो फिर मैंने वो परीक्षा दी, उसमें भी गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से वो भी पेपर पास हो गए। अच्छा जी। अच्छा। इस तो अब पत्रकारिता के फील्ड में। अच्छा, वैसे मैं हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है जी। हाँ जी। हाँ हाँ। काम कर चुका हूँ जी। अच्छा जी। PR एजेंसी में काम कर चुका हूँ जी। तो अच्छा, पत्रकारिता के जितने भी फील्ड होते हैं ना जी, लगभग सब में काम करके अब मैं अध्यापन क्षेत्र की तरफ हूँ जी। अच्छा जी। गुरु चुपेश्वर से PhD कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो नरेंद्र जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके प्रथम गुरु जो पत्रकारिता से संबंध रखते हैं, तो वो कौन थे? वो जी मेरे मामा जी थे। अच्छा। थे उस वर्गीय जीन से, क्योंकि अच्छा, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा कि वो पत्रिका के संपादक थे। हाँ, तो हाँ, उनके साथ बैठ के सीखा संपादक के क्या क्या काम होते हैं। अच्छा, पत्रिका कैसे छपने जाती है, कैसे हाँ, हाँ, लिखे जाते हैं। अच्छा नरेंद्र जी, एक बात और बताओ, मैंने सुनना में आया है कि आप जो संबंध रखो आर्य समाज से, तो आपने भाई और की बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से हुए हैं समाज हैं, तो आपने आर्य समाज को ही क्यों चुना जी? जब छठी क्लास में पढ़ते थे ना जी इतिहास में, हाँ, एक बात आती थी कि हिंदू धर्म में पुनर्सुधार का श्रेय किसको दिया जाता है। हाँ जी। हाँ। तो वो स्वामी नारायण सरस्वती लिखाता था जी। हाँ जी। हाँ। तो वैसे परिवार का बैकग्राउंड था जी पुराना बिहारी समाज का। हाँ जी। हाँ। लेकिन जब इसमें आए तो पता चला कि भाई ये किसी का विरोध नहीं करता। हाँ जी। ये सिर्फ अपने विचार बताता, आर्य समाज के 10 नियम, सत्यार्थ प्रकाश, उनको पढ़ो। हाँ जी। उस हिसाब से बचपन से परिवार के काम जुड़ गए जी। अच्छा। बाकी गांव में आसपास दोस्त मिले, आप सब लोग मिले, और गांव में किसी को देखता हूँ आर्य समाज से जुड़ा, हमें प्रेरणा मिलती जी। अच्छा नरेंद्र जी, एक छोटी सी बात और बता दे, दर्शकों का बिल्कुल बेचैनी पैदा हो रही है, तो आप मना इस सेहत का राज और बता दो क्या है? सेहत का राज तो जी नो है जी, खूब खाओ पियो, कोई चिंता ना करो। अपना मतलब मैं सिर्फ सैर करने ही जाता हूँ। अच्छा, बाकी है जी बिना चिंता फ्री जिंदगी जियो जी। अच्छा। भगवान ने जो जीवन दिया है, खुश रहो, खुश रहता हूँ जी, हंसता रहता हूँ, किसी बात की फालतू टेंशन नहीं लेता, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, अपना काम पे लगा रहता हूँ जी। बिल्कुल। अच्छा नरेंद्र जी, लॉकडाउन में आपने बहुत से ई सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं,
बहुत बहुत संस्था बहुत सी संस्थाओं से इंटरनेशनल लेवल की संस्थाओं से भी, तो आप उनमें से हमें दर्शकाना बताइए कि भाई वह किस स्त्रियां, तो आप उनमें भाग ले सका थे, किस किस स्त्रियां थे, कब कब ये हुए हैं, प्रतियोगिता जो हरी है तो बताओ उनके बारे में भाई, किस स्त्री आप उनमें पार्टिसिपेट कर सका। जैसे योगी जी आपने पूछा है ना, तो ये तो जी हर काम के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। हाँ जी हाँ। तो उसी प्रकार लॉकडाउन का एक अच्छा प्रभाव क्या पड़ा जी, कि बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिल गया। हाँ हाँ। पहले जी किसी की वर्कशॉप होती थी, किसी का कार्यक्रम होता था दिल्ली। हाँ जी। तो एक दिन पहले दिल्ली जाओ, वहाँ भाग लो। हाँ। तो सारा दिन भाग लेने के बाद फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। हाँ जी। आज वो सुविधा जी हमें अपने फोन में मिली। अच्छा जी। तो उसी प्रकार मैंने आपकी फेसबुक आईडी पे आपने डाल रखा था कि योगा दिवस पे सुबह योग करना है और अटेंडेंस लगानी है, तो आपने सर्टिफिकेट दिलवाया। तो इसी प्रकार इन संस्थाओं के इनसे क्या ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए, उनमें सूचनाएं आती रहती है, उनमें अटेंडेंस लें, अपनी हाजिरी लगाए और उनका वो ले, तो बहुत अच्छा अनुभव मिलता है जिनसे। अच्छा जी अच्छा। जैसे जी सतीश जी ने, सतीश पिटमड़ा जी है, उन्होंने फेसबुक पे मेरी एक शॉर्ट फिल्म भी डाली थी। हाँ जी हाँ। तो कोरोना वायरस को लेकर मेरे परिवार ने फिल्म बनाई। हाँ जी हाँ। तो क्या हुआ कि एक हरियाणा में संस्था है हरियाणा फिल्म कला मंच, उन्होंने प्रतियोगिता कराई, फेसबुक पे डाल दिया कि आपको 3 मिनट की वीडियो बनानी है। हाँ जी हाँ। और अगर अच्छी लगी तो उसको बड़े बड़े इनाम भी मिलेंगे, नहीं तो हम उसको फेस्टिवल में दिखाएंगे। हाँ जी हमने भेजी जी। हाँ जी। तो उनको भी अच्छी लगी, सतीश जी ने भेजी, 10,000 के करीब लोगों ने देखी। अच्छा जी अच्छा। इस प्रकार है जी, तो फेसबुक का कमाल मानता हूँ सोशल मीडिया। दर्शक साथियों, यू सिर्फ पत्रकार को नहीं, यो फिल्म भी बनावा है, छोटी मोटी हस्ती को भी बहुत बड़ी हस्ती है, मैं मारे लिए बड़े गौरव की बात है, हम इसके साथ बैठे हैं आज। अच्छा नरेंद्र जी एक बात और बता दो, हमारे दर्शक ने पूछा है आपने खिंडका खंडका बांध लिया, तो पूछ लें दर्शक ने किस इलाके है खिंडका। देखो जी हरियाणा की संस्कृति का प्रतीक है। हाँ जी। लेकिन मैं गाँव पिटमड़ा के अंदर कहूँ ना जी, तो ये योगी प्रदीप का श्रेय है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे जी। हाँ। हमारे उस लल्लन पत्ती से हैं दो। हाँ जी हाँ। सोनू मोनू। हाँ जी। उन्होंने हाँ। अभी इंटरनेशनल अवार्ड जीता। हाँ जी हाँ। तो वो भी गिंडका छोटे छोटे, उनको किसने सिखाया, तो ये तो हमारे गांव में योगी प्रदीप जी हैं जी, वो हमको दे रहे हैं। और मैं तो इतना अच्छा लगा जी मुझे, मैंने आज ये फोटो घर वालों को दिखाया और मैं खुद भी शीशे में देख रहा था ना। हाँ जी। बड़ा अच्छा लगा जी, मैं तो नहीं एक बार एक दो दिन आप मैं तो रोज भैया। तो दर्शक साथियों कमेंट लाइक और शेयर करते रहियो, और यह बात जरूर बताइयो भाई नरेंद्र सोनी जी ने खिंडका भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए, अरे किसे इलाके हैं, जब भाई एंडी लग दे हो आपने तो यह बात जरूर लिखियो। अच्छा नरेंद्र जी आपका कोई यूट्यूब चैनल जिस तरह दर्शक साथी आप जी? मेरा यूट्यूब चैनल है जी नरेंद्र सोनी पिटमड़ा के नाम से। अच्छा जी। तो आप लिंक दे दियो। हाँ डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। अच्छा नरेंद्र सोनी जी आपका, आपसे अगर कोई बंदा ये चाहवा की मैं पत्रकारिता में लिखना देख लिखना चाहूँ सीखना चाहूँ, तो आप उनकी किस स्त्रियाँ मदद करोगे भाई, आपसे किस स्त्रियाँ बात कराओ जी? बिल्कुल, वैसे तो मेरा नंबर है जी 98 127 87 018, नोट कर लो जी। बाकी पत्रकारिता जी बहुत अच्छा फील्ड है। हाँ जी। आज के जमाने में हमें अपने गरीब से गरीब लोगों की भी आवाज उठानी आना जी। हाँ जी। तो पत्रकारिता के गुण तो सीखने चाहिए। अच्छा बहुत करियर है जी, जैसे पत्रकारिता में शुरू में आप बीजेएमसी होती है, बैचलर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, तो आप बीए की जगह बीजेएमसी कर लो। अच्छा। या फिर आप एमएएमसी कर लो, पीएचडी तक के विकल्प है जिसके अंदर। अच्छा जी। अच्छा बहुत सारे, अगर आपको ये है कि जी मैंने तो बीए कर ली पहले ही, एमए कर ली, अब मैं क्या करूँ, तो क्या करूँगी, आज तक है एबीपी न्यूज ये बड़े बड़े चैनल 1 साल का 6 महीने का कोर्स सिखाते हैं। अच्छा। उन कोर्स में एडमिशन ले लो, ये 6 महीने में आपको सारे कोर्स सिखा देंगे और अपने वहाँ को प्लेसमेंट की गारंटी भी देते हैं। अच्छा जी अच्छा। तो बहुत विकल्प है जिस फील्ड के अंदर, दो बाकी किसी भी प्रकार की सहायता हो तो आप योगी प्रदीप जी के माध्यम से आप वैसे मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। अच्छा जी अच्छा। तो दर्शक साथियों नरेंद्र सोनी के नाम से नरेंद्र जी का यूट्यूब चैनल है, आप उस चैनल पे जाके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलियो भाई। और नरेंद्र जी आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, अगर आप पत्रकारिता में भाग लेना चाहो हो या उसको सीखना चाहो हो। तो इसी के साथ दर्शक साथियों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, धन्यवाद, राम राम साधु, राम जी सबको, राम राम।